एमसीबीसी शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और ये है फ्रेडी और हम बात करने वाले हैं आज ठरकी कहानियां के बारे में। ठरकी कहानियां पार्ट टू। What you means to say is lust stories two on Netflix। भाई साहब हमने अभी भी देख खत्म किया है वो। और मेरे भाई पहले वाले से ये स्टोरी पहले ज्यादा दमदार थी। इसमें लस्ट तो था लेकिन स्टोरी भी थी, मतलब अच्छा दोनों था। किसी में भूत है, किसी में थ्रिलर है, ओ या 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 किसी में सस्पेंस है, तो हर एक स्टोरी के एंड में कुछ ना कुछ था। लाइक लव स्टोरीज तो है ही, प्लस गोस्ट स्टोरीज भी है, रिवेंज स्टोरी भी है। मिक्स बना के अच्छा बनाया उन्होंने। द कोंकणा सेन डायरेक्टर है, आर बालकी डायरेक्टर है, देन यू हैव गॉट वेरियस अदर पीपल डायरेक्टिंग। सुजय घोष एंड अमित घोष इज आल्सो देयर। तो आई थॉट इट वाज अ मिक्स बैग ऑफ गुड एंड बैड। देयर वर पैचेस जहां पे बोर लग रहा था, लेकिन आई थॉट फ्रेडी की ये जो फॉर्मेट है जहाँ पे स्टोरीज मिस करके बता, लाइक मूवमेंट ऑफ आया था बहुत, विच एक्चुअली स्टार्टेड दिस फॉर्मेट ऑफ यू नो 4-5 स्टोरीज इन वन मूवी। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट भाई साहब पुराना हो गया थोड़ा सा, तेरे क्या लगता है? हाँ, लेकिन एडवांटेज इसका ये है कि भाई एक पिक्चर देख के बोर क्यों हो, है ना? आपको एक पिक्चर की जो लेंथ में चार देखने मिल रही है, चार अलग अलग स्टोरीज, why not watch it? नहीं, मुझे लगता है फ्रेडी, this is again going to what we had said earlier, कि बॉलीवुड के पास क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। They can't sustain 2 hours of a script or any creativity. लंबा कुछ नहीं कर सकते, छोटे में ही निपटा लो। 20 मिनट। तो जो नानियां कहानी सुनाया करती थी ना सोने के पहले, कि भैया ये कहानी राजा है रानी आई, उन्होंने खत्म होगी कहानी, आधे घंटे में सो जाओ भाई। मुझे लगता है as we going forward ना, बॉलीवुड will come on reels now. तो बॉलीवुड विल मेक रील्स ऑफ 1 minute। हमारी स्टोरी है, जस्ट इमेजिन 1 minute का कि ये स्टोरी है। लास्ट स्टोरीज 5 or 6 minute विल कम एट 1 minute। 1 minute 10 stories। बिकॉज़ 2 घंटे के पहले बचवाना था, 3 घंटे की होती थी पहले, 2 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उन दे कांट सस्टेन दैट, दे कम टू 20 minutes नाउ एंड क्लबिंग 4 stories टू मेक 2 hours। बड़ा सैड है यार। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट स्टोरीज भाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फर्स्ट स्टोरी? तो फर्स्ट स्टोरी उनकी थी नीना गुप्ता। नीना गुप्ता वाज रियली हॉट। सबको ऐसी दादी मिले। मेरी फ्रेंड है, उसकी मॉम, ओके, हम लोग एक बार उसके घर पे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए थे, ओके, और उसकी मॉम भी थी, अपनी वाइन पी रही थी, उनकी मॉम के हस्बैंड थे, मतलब उसकी मम्मी डैडी थे, और अपना वाइन वाइन पी के ऐसे कोने में बैठे थे और हमारे साथ हॉल में थे। एंड हमने कहा कि भाई हम गाना लगाते हैं, चलो आपकी पसंद का भी कोई गाना लगाया जाए, क्योंकि हम थोड़े यंग जैसे हैं। तो हमने कहा आंटी आपको कौन सा गाना चाहिए बताओ। आंटी ने बोला बीड़ी जलेले लगाओ। The moment I saw नीना गुप्ता I remembered वो आंटी। बीड़ी जलेलो। मतलब at that age the thoughts, the mind is so young. Actually you're right. I mean what नीना गुप्ता का जो दिमाग बड़ा यंग था। Correct. The thought was very young. She was not wrong entirely. I thought. Exactly. माउंट फूजी। बाकी क्या है आप देख के बताओ, हम बोलेंगे नहीं भैया। माउंट फूजी वाला जोक आपको देखना है, देखना। यू हैव टू सी द मूवी टू बिलीव इट एंड नो इट, क्या है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अंगद द्विवेदी एंड मृणाल ठाकुर, बॉस अमेजिंग। अंगद द्विवेदी की जो एक्टिंग थी बहुत सटल थी, मतलब ही डिड हिज जॉब द वे इट वाज सपोज्ड टू बी। बहुत सटल एक्टिंग एंड ज्यादा क्रिएटिविटी लगाई नहीं उसने। वो अपने फ्रेम में आया, निकल गया, आया, निकल गया। पूछता रह गया माउंट फूजी क्या होता है। उसने पूछा माउंट फूजी क्या होता है, लेकिन मृणाल को पता था क्योंकि उसकी दादी ने बताया था उसको। I think दादी was the rock star in this, right? She was a hero. She was a hero in everything. Hero in. दादी was a hero. नीना गुप्ता जी, amazing. Thumbs up to you. नीना जी का जो, हाँ, नीना जी को देखकर जो turnaround हुआ है ना पिछले 4-5 सालों में, बहुत बधाई हुई and all that. She is kind of back to back with revenge, मुझे लगता है। Absolutely. Yeah. And she's a very fine actor. Oh, yeah, yeah, yeah. It's so she's proved it here once again. Yes, yes. Amazing, Nina ji. First story was good. Story के लिए तो हम out of 5 stars कितने देंगे? 15. 15 plus Mount Fuji देंगे आपको. Mount Fuji is added. Added. 15 stars plus Mount Fuji. Absolutely. दूसरी story थी, Kongana Sen director थी. हाँ, दूसरी स्टोरी वाज अबाउट हिरोइन नाम के तिलोत्तमा, मैं भाई भूल जाओ, तिलोत्तमा शोम, तिलोत्तमा शोम, तिलो जमा, अमेजिंग एक्ट्रेस, outstanding work she did. In fact, there was a scene जहाँ पे कैमरा उनके पैन होता है, it goes to eyes and come back again. They use it as a transition. It's amazing, you know. Transition. घर पे उसके मुंह पे वो zoom in होता है, then zoom out in the office, same face, she just have a blink of the eye. And same expression. Same expression. Amazing. Yeah. I'm sure वो scene अलग अलग दिन शूट हुआ होगा. Because वो thought उसका जो घर पे था वही thought वही पर भी था. वही है. वहाँ भी था. आपको देखना पड़ेगा, because ये बड़ी interesting story है. अलग से कोई काम वाली भाई है उसमें, उसकी homemade रहती है, घर पे आके you know उसका husband वगैरह देखती है, they know each other की देख रही है, नहीं देख रही है.
आई थॉट ये बड़ी सटल सी कहानी है इन मुंबई सिटी इन ऑल मेट्रो सिटी में ऐसा होता होगा. हालांकि मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल इन मेट्रो सिटीज लीव देयर कीज टू द मेड. हां करेक्ट. कि आप घर की सफाई करो, खाना बनाओ, ये वो करो, फिर आप निकल जाओ. बिकॉज़ दे आर बिजी जनरली. दे आर आल्सो बिजी. तो हस्बैंड और वाइफ बाहर रहते हैं, बच्चा हो ना हो, बच्चा हो तो ठीक है, नहीं है तो दोनों ही रहते हैं. एंड मेड एंजॉयज दैट टाइम इन द हाउस. राइट. वो घर मतलब मेड फील्स दैट दैट्स हर हाउस. जो इसमें डायलॉग भी है कि मैं अपने घर की तरह उसको रखती थी. तो बड़ा अच्छा सेंटीमेंट. इनफैक्ट यू नो पार्ट वन में भी देयर वाज अ मेड लस्ट फॉर टू. देयर वाज अ मेड. शी थॉट कि ये जो जो घर का लड़का है शी विल मैरी ही मैरी मी. ऐसा करते नहीं है लोग. बट इन एंड में दैट वाज डायरेक्टेड बाय घर में होता होगा. तो प्लीज पीपल हु आर वॉचिंग दिस एंड हु गो टू वर्क एवरी डे, या तो आप कैमरा लगा दीजिए या तो घर पे थोड़ा जल्दी आ जाइए. लोगों के घर पे क्या हो रहा है हमें पता ही चलते हैं व्हाट व्हाट्स हैपनिंग. और अपने चाबी से धीरे से खोलिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपके बेडरूम में शायद कोई ऑलरेडी है. एंड अमृता सुभाष आई थिंक शी इज अ गुड जॉब. शी इज अ वेरी फाइन एक्टर. वेरी फाइन एक्ट्रेस. आई मीन शी व्हाटएवर रोल शी डज उसमें ढा जाती है वो. बिल्कुल. ऐसा लगता ही नहीं कि वो मतलब ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर ही है. वो डजंट फील लाइक अमृता सुभाष. मतलब जो कैरेक्टर में घुसी है वो कैरेक्टर लगता है उसका. एब्सोल्युटली इज परफेक्ट. थर्ड स्टोरी आउट ऑफ फाइव इस स्टोरी को हम क्या स्टार देना चाहते हैं? आई थिंक 12. आउट ऑफ फाइव हम 12 देंगे. तो गिनती का मुझे समझ नहीं आता. मैं पांच से पूछ रहा हूँ, ये 15 दे रही है, 12 बिकॉज़ इट इतनी अच्छी है. सॉरी, लेट्स इंक्रीज द स्टार्स नाउ. तो लगता है कि दो स्टोरीज हम बहुत हिट हैं. थर्ड स्टोरी के बारे में बात करते हैं. थर्ड स्टोरी क्या है भैया? थर्ड स्टोरी इज अबाउट उसने किया है विजय वर्मा के साथ. हमने आपको बता दिया तो आप तो सोच के जाइए कि भाई ये होने वाला है. और जो तमन्ना के फैंस है, जो विजय वर्मा के फैंस है, दोनों को एक साथ एक अच्छी में देखना चाहते हैं वो प्लीज ये देखिए. एटलीस्ट दिस थर्ड स्टोरी इज वर्थ इट. तमन्ना भाटिया मैं चुप हो गया. मैं मेरे जबान निकल गई आफ्टर वॉचिंग तमन्ना भाटिया. मैं चुप हो गया था. रिमेम्बरिंग द सीन एंड ऑल दैट. बट व्हाट डू यू फील फ्रेडी तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा का केमिस्ट्री के बारे में क्या बताया? मुझे लगा ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी इन द फिल्म एटलीस्ट. तो ये शायद हो सकता है कि जो रूमर चल रहा है वो सही भी हो. मुझे लगता है ना फ्रेडी, ये दिस इज पार्ट ऑफ द रूमर. हर बार ऐसी होता है पिक्चर आती है, हीरो हीरोइन के पीछे बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, उनका अफेयर भी है, पिक्चर खत्म होती है, उतर जाती है, बात खत्म हो जाता है. हालांकि जब हमने वो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं अबाउट तमन्ना एंड विजय वर्मा, तो वहां देख के ऐसा नहीं लगता कि ये इनकी केमिस्ट्री है. ऐसा लग रहा था कि दे आर डूइंग इट फॉर द फेम. जबरदस्ती की लग रही है. मेरा बेट ये है फ्रेडी, यू फील इट्स अ नेचुरल केमिस्ट्री. मुझे लगता है कि केमिस्ट्री बनाई गई, मैन्युफैक्चर्ड केमिस्ट्री है. और मतलब कि लस्ट होने के बाद में एक हफ्ता कब दे विल फॉरगेट अबाउट इट, दे विल मूव ऑन, दे बोथ विल मूव ऑन टू ओन पैथ्स, खत्म हो जाएगा. हो सकता है. I may be wrong. We don't know. Yeah. कितना चलेगा we don't know. But at least movie में बहुत सही था. इनकी chemistry बहुत सही थी. Physics भी अच्छा था. Biology तो आप देख ही सकते हैं. देख जाएंगे. कि वो pregnancy record पे पता चल जाएगा. And also geography. ये अलग 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 dimension की कहानी है. ये love story तो है ही. Plus ये ghost story भी है. अब क्यों अच्छा है? क्यों है, क्या है इसमें ghost भाई? सब थोड़ी बता दिया. बता दिया तो हल्का सा मैंने hint दे दिया. आप देखिए आपको मजा आया. Lust and ghost. मजा आएगा आपको देखने में. तो हाँ, तो मुझे बताओ भाई क्या स्टार दोगे आप इसको? इसको I will give like 7 out of 5. मुझे तो 100. तेरा 5 है मुझे. मुझे मुझे 100 देने का मन कर रहा है तबला की वजह से. अरे हाँ यार, जो जो वो सीन दिखाया है उनका, I think I loved. But there is one thing that I want to say कि initially जब होता है तो तमन्ना was you know किसी कम्युनिटी सेंटर में गाना सिखा रही वगैरह, दैट आई एम जस्ट वेयरिंग अ सारी, समझ में आता सारी वाली पहना उन्होंने यू नो वगैरह वगैरह. बट घर पे जाती है एंड बोलती है मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, शी इज वेयरिंग अगेन अ सारी, अनदर सारी जस्ट लिटिल बिट ऑफ हां या आई मीन लो नेक एंड ऑल दैट. तो भैया घर में कौन ऐसे कपड़े पहनता है यार? घर में तो आप कैजुअल कपड़े पहनते हो. खैर हमें क्या, वी आर लास्ट टू कंप्लेन बिकॉज अच्छा लगा, मजा आया. एब्सोल्युटली. और एटलीस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, दे हैड द केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन. ऑफ स्क्रीन द विल कम टू नो अबाउट इट. बिल्कुल. But I would give 7-8 out of 5 on this. मैं बहुत सारे स्टार देना चाहता हूँ तमन्ना के लिए. Amazing. At least I have not seen you in this kind of a role. तो एक और स्टार तो जब फैन बोल रहा है, फैन बिल्कुल ऐसी जो बोलेगा तू. हाँ. अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं काजोल की स्टोरी पे.
काजोल की स्टोरी है, कुमुद मिश्रा अब लास्ट स्टोरी, यू नो ये स्टोरी देखने के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि कुमुद मिश्रा प्रमोट क्यों नहीं किया इसको और आप लोग देखोगे यू विल कम टू नो कि व्हाई कुमुद मिश्रा हैज नॉट प्रमोटेड द मूवी एट ऑल। उसको मालूम है कि इतना और उसे कैसा एकदम ठड़की वाला रोल किया है कि वो क्या बात करेगा कि क्या बोलेगा आपकी रोल की इंस्पिरेशन कहां से मिली, वो क्या जवाब देगा बेचारा इंस्पिरेशन कहां से मिली, अरे नहीं भाई नहीं मैं जाऊंगा नहीं प्रमोट करेगा मूवी है। ये मूवी भी बहुत मतलब ये जो स्टोरी थी टिपिकल स्टोरी थी, एक राजा है उसकी बड़ा सा महल टाइप ऑफ बंगला है और नदी किनारे बंगला है, लोकेशन वाज अमेजिंग एंड ही इज एंजॉयिंग यू नो जो भी लड़की सामने दिखती है ही इज एंजॉयिंग ना बिकॉज़ राजा है भाई तो पत्थर की तो है लस्ट तो जाने रहे, हर स्टेज पे लस्ट दिखाई है, ही इज एपिटमाइज्ड द लव स्टोरीज का जो कैसा होता है कैरेक्टर उसने एपिटमाइज किया, परफेक्ट एकदम परफेक्ट किया उन्होंने, बट अच्छे से किया है। कुमुद मिश्रा इज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर। काजोल के बारे में क्या होता, काजोल ने भी अपना बहुत सिंपल सा रोल रखा है, वेरी डिग्निफाइड ना, एक बहुत डिग्निफाइड मॉम, एक मॉम रहती है वो, उसकी एक बेटा होता है, उसका मन है कि मेरा बेटा पढ़े और बड़ा हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, चाहे मैं कैसी भी हूँ, my focus is that my son yeah, I got married to this guy because my son should reach there, but kajol ji I must tell you that some frames mein you looking like your mom tanuja ji, ha that's what we were discussing yeah. ki agar aap aisa lag raha hai tanuja ke samne aa gayi hai bilkul bahut bahut sara resemblance se aap ke bahut yeah absolutely so that's amazing but acting obviously काजोल की जो है वो I thought ki काजोल की acting na from kuch kuch hota hai and DDL jaise na अब she is mature, I think she is like a उसकी acting में steadiness आ गई है, स्थिरता बोलता है आ गई है, जब देखती कैमरा को ना there's a last में expression है जहाँ पे वो लगता है कि अंदर कौन गया है क्या है, पर कुमुद मिश्रा बाहर रहता है कैमरा is facing हाँ जो last वाला twist हाँ twist है उसका face का expression change होता है या that is a mark of an actress भाई, मुझे लगता नहीं है कि और कोई ऐसा दे पाता expression, single shot था वो, single shot absolutely, तो काजोल outstanding, काजोल की level is 1000 stars ना out of 5 I will give 1000 stars to that maid. Ah, right. And drinking whatever alcohol. Uska naam hai Anushka Kaushik. Anushka Kaushik. Yeah. I think you've done an amazing job. Jo, couple of scenes you were there for. But those scenes you have... You made your mark. Not just you for the last part of it, but generally aapki jo acting thi, I think it's amazing. Aapne mark kiya, you got a good platform. So good. I think we love it. I'll give you a couple of stars there because you deserve them. Absolutely. And for the entire story, and actually the twist deserves 100 stars. Oh, yeah. The last ka jo twist yeah. story mein, that deserves 100 jo stars. Jo karta hai, wo bharta. So director sahiba and writer is amazing job. Yeah. This was a revenge story plus हमने शुरुआत में सोचा था कि भाई काजोल उसको मारेगी, काजोल बहुत ये है बहुत वो है, बट अचानक से वो जिस तरह से सोचती है और जिस तरह से वो ट्विस्ट होता है is just too much. This is I think it was karma, instant karma. instant karma, right? That is the right word. Instant karma था वो. Correct. तो चार stories थी, last stories हैं, दो घंटे की, दो सवा दो घंटे की फिल्म है, 20 minutes की फिल्म है. I think इस बार it was not that bad. तो मैं सेकंड का कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये थोड़ा ढीला हो गया है, इवन अमेरिका में हॉलीवुड ने बंद कर दिया है फॉर्मेट, यू नो आई थिंक वो टाइम के लिए आया था, अब तो बंद हो जाना चाहिए। आई डोंट नो वेदर 3 आएगी, तेरे को क्या लगता है? प्लस 3 मुझे लगता है ये स्टोरीज तो सही चल रही है, हमने इतने स्टार्स भी दे दिए उसको, तो नोबडी विल वांट टू एक्सटेंड एंड स्ट्रेच दिस स्टोरी एंड मेक अ फिल्म आउट ऑफ इट। हां ये चार स्टोरी वाला जो फॉर्मेट है आई थिंक दे विल फॉलो दिस एंड दे विल कंटिन्यू इट, क्योंकि इसमें एडवांटेज ये हो जाता है कि यू कैन टेक मल्टीपल डायरेक्टर्स जिनकी सोच अलग है, यू कैन शॉर्टलिस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, तो आप वैरायटी मिल जाएगी, आपने बहुत थाली इसमें exactly. आलू भी है और मीठा भी है सब कुछ है, मतलब सेलेक्ट कर सकते हो कि ये सब्जी नहीं चाहिए भैया, ये सब्जी लास्ट टाइम हुई थी, ये सब्जी चाहिए, ये सब्जी टेस्टी लग रही है मुझे, राइट तो सबके लिए सब कुछ है इसमें बिल्कुल।
थरक वालों के लिए थरकी है ये, जो रिवेंज को पसंद करते उनके लिए भी स्टोरी है ये, तो सब कुछ ले ना, वोंट बिलीव अबाउट यू नो कपल के बारे में क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है, सब कुछ है, कामली भाई के बारे में भी है इसमें, सो आई थिंक इट्स अबाउट एवरीथिंग, यू शुड वॉच इट एट लीस्ट वंस एंड लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट इट. Please comment me up, Dalia, and don't forget to subscribe to our channel. Yes. And comment because we will only know कि आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं. Absolutely. और आपने जो हमने review किया है उसको आप देख चुके हो उस film को और आपने फिर comment किया है and whether you coincide or sync with our thoughts or not, absolutely. हमको पता चलेगा. Done. तो well, let's finish our MCBC Lust Stories 2 review right now. And we have more coming on this channel. So keep watching us. And stay tuned. Bye-bye. Bye. Take care.